हेलो एवरीवन uh, आज हम कवर uh, करेंगे हॉस्पिटल uh, फार्मासिस्ट 2016 एग्जाम का पार्ट थर्ड सो थर्ड पार्ट आपका फार्मेसी uh, पार्ट ही है तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें uh, जो फार्मेसी पार्ट से रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रायर टू बी यूज्ड व्हेन सॉल्वेंट नीड्स टू बी रिकवर्ड आंसर इज वैक्यूम ड्रायर द एक्शन ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी इंक्लूडिंग रिसेप्टर इंटरैक्शन डोज रिसेप्टर फिनना एंड द मैकेनिज्म ऑफ थेरोप्यूटिक एंड टॉक्सिक एक्शन इज डिफाइंड एज फार्माकोडाइनमिक्स फार्माकोडाइनमिक्स का मतलब ये है वट द ड्रग डज टू द बॉडी अगला क्वेश्चन है ड्रग कैमिकली नोन एज फाइव मिथाइल पैराजीन टू कार्बोऑक्सिल एसिड फोर ऑक्साइड इज यूज इन विच ऑफ द डिजीज इट इज यूज इन द डिजीज ऑफ डिस्लिपी डेमिया इफ द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग डाइंस विद फर्स्ट ऑर्डर कानेटिकीन्स दैट द हाफ लाइफ इज सेम रिगार्ड लेस ऑफ द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ठीक है इसमें आपको ध्यान रखना है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स केस में जो आपका टी हाफ है वो आपका सेम रहेगा लेकिन जीरो ऑर्डर कानेटिक्स में हाफ लाइफ आपका डिक्लाइन होता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एन एरोमेटिक तो इसमें आपका साइक्लो साइक्लोप्रोपाइल एनाइन इज है। इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड नाइट्रिक एसिड एक्ट एस नाइट्रिक एसिड यहाँ पर एक्ट करेगा लोरी ब्रॉन्टेंट बेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनहिबिटर ऑफ एल डी एच ऑक्समेट इज द इनहिबिटर ऑफ एल डी एच साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग कैन बी मिनिमाइज बाई इट्स हाई स्पेसिफिसिटी अगला क्वेश्चन द प्रोसेस द प्रोसेस बाय विच अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी डिक्रीजेस बिफोर एंटरिंग द सिस्टेमिक सर्कुलेशन इज नोन एज फर्स्ट पास इफेक्ट तो ड्रग जो है आपका आ, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले पोर्टल वेन में जाकर के वहां पर मेटाबोलाइज हो जाता है जिस फिना को हम लोग क्या बोलते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कॉमनली एडमिनिस्टर्ड बाई इंट्रानेजल रूट डेस्मोप्रेजिन आपका इंट्रानेजल रूट से दिया जाता है मेजर मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग एक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इज बाय इट इज बाय पैसिव डिफ्यूजन अगला क्वेश्चन है मेंटेनेंस डोज रेट ऑफ ड्रग डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन तो मेंटेनेंस डोज के केस में आपका रेट ऑफ ड्रग डिपेंड करता है टोटल बॉडी क्लियरेंस पर इंडक्शन ऑफ माइक्रोजोमल एंजाइम कैन रिजल्ट इन सो इंडक्शन ऑफ माइक्रोबल एंजाइम टॉलरेंस को फॉर्म uh, करता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज अ सेकेंड मैसेंजर जी प्रोटीन डज नॉट एक्ट एज अ Second messenger drug having very low therapeutic range is uh, very low therapeutic range is lithium sucrose on prolonged heating with calcium hydroxide solution under pressure yields. It yields lactic acid presence uh, patients uh, who have received mono, -oxy mono amino oxygenase inhibitor uh, may experience severe hypertension crisis if they ingest beer. बियर बियर क्या करेगा सीवियर हाइपरटेंसिव क्राइसिस क्रिएट करेगा मेजर एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लोनिडिन इज तो एडवर्स इफेक्ट क्लोनिडिन का है ड्राई माउथ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर ऑफ रिफेम्पिसिन थेरेपी इज ड्यू टू देयर इंक्रीज मेटाबोलिज्म प्रोप्रनलोल इज इंडिकेटेड इन अ पेशेंट विद ग्लाउकोमा अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डज नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर नियोस्टिंग नॉट क्रॉसियर डिस पिरा बेस ऑफ डी एन ए पेरिन अकर्स विद साइक्लोफोस्टामाइड अगला क्वेश्चन है सल्फोनामाइड कंजुगेटेड विद सल्फोनामाइड आपका कंजुगेट होता है एसटाइलेन के एसिटाइलेन मैकेजम से विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्सीडेटिव टाइप ऑफ ड्रग मेटाबोलिज्म आंसर है आपका ग्लूकोरोन ई डी फिफ्टी इज यूज फॉर द डिटामिन इट इज यूज फॉर डिटामिन पोटेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग ड्रग्स हैव द लीस्ट ओरल बायो एवेबिलिटी तो डी ट्यूबिकोरेन का सबसे कम ओरल बायो एवेबिलिटी होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंजाइम इनिबिटर किटोकोनाजोल इज एन इंजाइम इनिबिटर Alkalinization of urine is required to treat toxicity of all except. Uh, answer is amphetamine. Which of the following drug is commonly used? Um, used in necroanalysis. Answer is scopolamine hydrochloride. Agla question hai, Which of the following? Which of the following drug reduces? ब्लड प्रेशर डायरेक्टली डिक्रीजिंग हार्ट रेट डिक्रीजिंग हार्ट रेट अलोन आंसर इज प्रोपर ट्रक ऑफ चॉइस फॉर मशरूम पॉइजनिंग ट्रक ऑफ चॉइस एट्रोपिन होता है मशरूम प्वाइजनिंग में विच टेस्ट इज यूज टू चेक द प्योरिटी ऑफ बटर कंटेनिंग गुड कंसनट्रेशन ऑफ वोलाटाइल फैटी एसिड आंसर है रिशर्ट्स मेजल्स नंबर विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज इसेंशियल फैटी एसिड आंसर इज ऑल सो लिनोलेन लिनोलेिक एसिड लिनोलेनिक एसिड एंड अरेकीडोनिक एसिड दीज आर देंशियल फैटी एसिड्स एडमांस रिएजेंट इज केमिकली एडमांस रिएजेंट आपका केमिकली क्या है ये है आपका फिनाइल आइसोथायोसाइनेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एपिटाइट आंसर है इसमें ब्रेडिकाइनिन ब्रेडिकाइनिन इज नॉन एपिटाइट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फेनाटॉइन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग अल्कोहलिक अमोनिया विद तो फेनाटॉइन आपका प्रिपेयर होता है जब हम अल्कोहलिक अमोनिया को हीट करते हैं किसके साथ अल्फा ब्रोमो डाईफिनाइल एसीटाइल यूरिया के साथ अगला क्वेश्चन है इंक्रीजिंग हाइड्रोकार्बन कंटेंट अप टू सेवन टू नाइन कार्बन एटम्स इन द फिफ्थ पोजिशन ऑफ बारबीच्यूरेट्स रिजल्ट इन ये क्या करता है ये करता है इंक्रीजिंग इन ऑनसेट एंड डिक्रीज इन द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन अगला क्वेश्चन है एस्पार्टेम। एस्पार्टेम बेसिकली आपका क्या है एस्पार्टेम है आपका इट इज़ मिथाइल ईस्टर ऑफ एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइल एलानिन बेसिकली एस्पार्टेम आपका आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज होता है uh, बहुत सारी टेबलेट फॉर्मूलेशन में और कुछ लिक्विड फॉर्मूलेशन में Uh, static quenching occurs due to स्टेटिक uh, क्वेंचिंग आपका ऑक्सीडेशन की वजह से होता है द डिटेक्टर यूज इन फ्लेम फोटोमीट्री इज फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब द स्पीसिस विच एब्जॉर्ब रेडिएशन इन एटॉमिक एब्जॉर्ब स्पेक्ट्रोस्कोपी आर आंसर है आपका न्यूट्रल एटम बैथोक्रोमिक शिफ्ट रिजल्ट रेफर्स टू द शिफ्टिंग ऑफ लेमडा मैक्स टूवर्ड्स सो बैथोक्रोमिक शिफ्ट आपका जब आपका लेमडा मैक्स लॉन्गर वेव पर शिफ्ट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाथोक्रमिक शिफ्ट बोलते हैं द वाइडली यूज सोर्स ऑफ लाइट इन यू सबसे ज़्यादा आपका सोर्स ऑफ लाइट यू में कौन सा यूज होता है यूज़ होता है हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प प्लास्टिक सरेंजेस एंड कैथेटर्स कैन बी ही बाय प्लास्टिक सरेंजस और कैथेटर हम लोग गैसी स्टेरलाइजेशन से स्टेरेलाइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप इंडस्ट्रीज आर फॉलोइंग कैटेगरीज एक्सेप्ट तो इंडस्ट्रीज ओनरशिप के केसेस में पब्लिक सेक्टर की भी होती हैं प्राइवेट सेक्टर की भी होती हैं जॉइंट सेक्टर की भी होती हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज नहीं होती हैं तो आपका आंसर है कॉटेज इंडस्ट्री अगला क्वेश्चन है डैश इज फर्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस सो स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन जो है वो आपका फर्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस होता है सेल्स रिटर्न मीन्स गुड्स रिटर्न टू द सप्लायर्स ड्यू टू डिफेक्टिव क्वालिटी इन डिफेक्टिव क्वालिटी हो तो सेल्स को रिटर्न uh, किया जाता है मैन्युफैक्चरर के पास अगला क्वेश्चन द डिसइनफेक्टिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू डिस इनफेक्टिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन किसकी वजह से होता है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड फिलेरियसिस इज कॉस्ट पाए फिलेरियसिस आपका होता है किसकी वजह से विचेरेरिया क्रॉफी इसकी वजह से फिलेरियसिस होता है सेल सेन के शुड नॉट बी गिवन टू सेथाटिक्स हमें किस पेशेंट को नहीं देने होते हैं पेशेंट्स विद लो सोडियम डाइट नेक्स्ट इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस हम मेटाबोलिक एसिडोसिस में एच uh, का डेफिशिएंसी हो जाता है uh, with, िल्स डिजीज इज अ कंडीशन ऑफ एक्सेस स्टोरेज ऑफ कॉपर विच कंपाउंड कैन एग्जिस्ट एज स्टीरियो आइसुमर्स तो आपका सी एच थ्री सी एच टू सीओ सी एच थ्री ये कंपाउंड जो है आपका स्टीरियो आइसुमर में एग्जिस्ट करता है एंड एंटी डायबिटिक ड्रग पायोग्लिटाजोन इज यूज फॉर टाइप टू डायबिटीज एक्ट बाय इंक्रीजिंग इंसुलिन सेंसिटिविटी uh, अगला क्वेश्चन है को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नसीड्स विद वारफेरिन ऑफन लीड्स टू एडिटिव सिनर्जी सिनर्जिस्टिक इंट्रैक्शन इसमें आपको ये याद रखना है कि uh, जो नसीड्स है वो आपका नसेड्स uh, का सीवियर साइड इफेक्ट रहता है uh, कि वो जीआई uh, ब्लीडिंग करते हैं वारफेरिन इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड थिनिंग So uh, ultimately, these will be responsible for the additive or synergistic interaction.